स्टार प्लस का धमाकेदार और दमदार सीरियल अनुपमा इन दिनों खूब सुर्खियों में है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में लगातार ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं जिसने शो के प्रति लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ाकर रख दिया है। बीते दिन अनुपमा में दिखाया गया कि अनुपमा रो रो कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन पूरी घटना का गुस्सा बापूजी अपने परिवार पर निकालते हैं। वो उन लोगों को न केवल बददुआएं देते हैं बल्कि खुद भी मरने की कामना करने लगते हैं। लेकिन रूपाली गांगुली के अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट यहीं नहीं खत्म होते हैं। अनुपमा तो रोकर वहां से चली जाती है, लेकिन काव्या और किंजल का गुस्सा पूरे परिवार पर फूट पड़ता है। जहां किंजल एक तरफ पाकी को थप्पड़ लगाने की बात कहती है, तो वहीं काव्या भी उन्हें चार बातें सुनाने से पीछे नहीं हटती है। काव्या कहती है कि पहले मैं सोचती थी कि काश मैं अनुपमा जैसी होती, लेकिन अच्छा है कि मैं अनुपमा जैसी नहीं हूँ। मैं इस घर से प्यार करती हूँ, लेकिन किसी से अब दबकर नहीं रहूँगी और ना ही किसी के ताने सुनूंगी। कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैं भी उसका जवाब पत्थर से दूंगी। वो बा को भी नहीं छोड़ती और कहती है कि अगर किसी ने मेरे साथ अनुपमा जैसा व्यवहार किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनुपमा को परेशान देखकर अनुज कहता है कि वो अब शाह परिवार में कभी नहीं जाएगी। अनुज इस सिलसिले में अपनी पत्नी से कहता है, माफ करना कि मैंने तुम्हारे लिए फैसला लिया, लेकिन मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। वहीं अनुपमा उसका जवाब देती है, जिस घर में आपको परेशानी हो या छोटी अनु की आंखों में आंसू है, वहां मैं कदम नहीं रखूंगी। पाखी अपने कमरे में फूट फूट कर रोती है और वनराज से कहती है कि वो अनुपमा से माफी मांगना चाहती है और उसके घर जाना चाहती है। उसकी इस बात पर वनराज सोचता है, मुझे तेरे और अनुपमा के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तूने उससे माफी मांगी तो कपाड़िया का यहाँ आना जाना फिर से शुरू हो जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।